हाय सर, गौरव कुमार विश्वकर्मा, आपका G5 इंडियन PC में आपका सबके स्वागत है। आज हम इंसर्ट टैब में टेबल बनाना सीखेंगे और इसकी पिछली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 5x4 का एक टेबल, यानी 5 कॉलम और 4 रो का हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ से हमने 5 कॉलम ले लिया, यहाँ से 4 रो ले लिए, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। तो 5 कॉलम और 4 रो का आपका क्या एक टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप कॉलम ले सकते हैं, यहाँ पे रो ले सकते हैं। इसकी साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कोने पे आपका 2 साइड वाला एरो दिखाई देगा, आपको उसको क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करना है तो सेल की साइज बड़े आकार में हो जाएगी। उसके बाद हम होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद हमें यहाँ पे जो भी टाइप करना, जो भी स्टाइल में फॉन्ट स्टाइल में टाइप करना हो टाइप कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। तो अभी हमारा कैलिब्री सेलेक्टेड है, कोई और यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट, जैसे हमने कॉलम दे दिया सीरियल नंबर, नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट सैलरी, बोनस, नेक्स्ट यहाँ पे हम कर देंगे, नेक्स्ट हमारे क्या आ जाएगा टोटल। मैं 5 कॉलम है सीरियल नंबर पे हमारे, जैसे हमारा फर्स्ट आ गया डॉट, सेकंड डॉट, हमारा थर्ड आ गया, ऐसे कर लिया। अब हमें कॉलम छोटा या बड़ा करना है तो कॉलम को छोटा बड़ा करने के लिए हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। एक तो 2 साइड वाला एरो दिखेगा जिससे हम कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर आपको टोटल के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए तो टोटल के लिए हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बोनस के लिए भी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो बोनस के लिए भी हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और वैसे ही हम सैलरी के लिए भी कम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें नेम, जैसे फर्स्ट में नेम टाइप करना था, यहाँ पे नाम दे देंगे। जैसे हमने देख दिया राहुल गुप्ता, यहाँ पे हम स्पेस कर लेंगे। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं सीमा टोनी, हमने यहाँ पे लिख दिया कविता गुप्ता। इसे हम क्या कर लेंगे, कैपिटल कर लेंगे। तो सभी को कैपिटल करने के लिए हम क्या कर लेंगे, ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, हम यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लेंगे, जिससे क्या होगा हर एक का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा। फिर यहाँ पे सैलरी, सैलरी जैसे अगर हम यहाँ पे 5000 कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कर लें 5000, यहाँ भी 4500, यहाँ 6600, 5600 आ गया, 5600, 5600। यहाँ पे हम बोनस दे रहे हैं, जैसे 500 सभी पे दे रहे हैं तो 500 ऐड कर रहे हैं। टोटल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 55, यहाँ पे हो जाएगा 5000 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 61,100, यानी कि ये आपका टोटल हो गया। अब इसे में क्या करना है, कुछ को आपको हेडिंग जैसे हो गई, हेडिंग को क्या करना है आपको सेंटर पर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट यूज कर सकते हो। इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। इसकी फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद इसे बोल्ड कर देते हैं और कॉलम की साइज थोड़ी सी कम कर देते हैं। अभी हमें इतनी आवश्यकता नहीं है तो हम यहाँ पे कॉलम की साइज कम कर देंगे, यहाँ से कर लेंगे। फिर 2 साइड वाला एरो रहेगा उससे हम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी टेक्स्ट को हमें सेंटर करने की जरूरत नहीं है। नेम और आपकी सैलरी अमाउंट है, इन्हें हम सेंटर करना चाहते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे सेंटर कर देंगे।
अब यहाँ पे अगर हमें स्पेस एक्स्ट्रा लग रही है या फॉन्ट साइज कम लग रहा है, तो फॉन्ट साइज हम इन सब की क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसकी साइज इंक्रीज कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप नंबर्स को भी, सीरियल नंबर को भी आप वही अलाइनमेंट सेंटर दे दीजिए। तो आप ऐसे सिंपल सा टेबल बना सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कॉलम चाहिए, नेक्स्ट टेबल चाहिए या नेक्स्ट रॉ चाहिए, नेक्स्ट रॉ के लिए क्या आपको क्या करना है, लास्ट सेल पे क्लिक करना है। यहाँ से क्या करना है, आपको टैब करना है नीचे, ऑलरेडी एक और रॉ आ जाएगी। अगर आपको ऐसे जब भी चाहिए तो आप टैब करते जाइए। टैब का यूज एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए भी करते हैं, या फिर आपको जब भी आपको नीचे रॉ चाहिए तो आप लास्ट सेल पे क्लिक करिए, वहाँ से टैब करिए, आपको नीचे एक और रॉ मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर हमें बीच में एक और कॉलम चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे डिजाइन पे। डिजाइन पे जाके क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ टेबल लिखा है, तो ड्रॉ टेबल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें कोई और कॉलम चाहिए, जैसे यहाँ पे दो कॉलम चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें दो कॉलम चाहिए तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हमें एक ही रॉ पे दो कॉलम चाहिए तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हमें कॉलम नहीं चाहिए, बाई चांस हमने कोई गलती से बना दिया या फिर कहीं पे गलती से, जैसे हमने यहाँ पे नेम बॉक्स में हमने गलती से एक कॉलम बना दिया, अभी एक कॉलम की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इरेजर आपका होता है, इरेजर का यूज करके हम इसे क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, यहाँ से इरेज कर सकते हैं ये, यहाँ से हम इसे क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हम इरेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कोई और कॉलम, कॉलम तो हमने लेना सीख लिया, अब हमें क्या करना है, दो कॉलम के बीच में एक कॉलम रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे अगर आपको ये दोनों सेल दिख रहे हैं, बीच में कॉलम दिख रहा है, हमें क्या चाहिए, एक रॉ चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ क्या है, इसे इरेज कर सकते हैं। अगर इरेजर से यूज करना चाहे तो इरेज कर सकते हैं, और अगर हमें इरेजर नहीं मिल रहा तो हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। जैसे आपका ड्रॉ है, ड्रॉ करने के बाद अगर आपको यहाँ पे सिंगल कॉलम चाहिए, यहाँ पे यानी एक भी कॉलम नहीं नजर है, ओनली रॉ नजर है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, तो हम पहले इसको अनचेक कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा मर्ज सेल, मर्ज सेल पे आपको क्लिक करना है, तो आपका सेल क्या हो जाएगा, एक सिंगल सेल बन जाएगा, यानी जितने भी कॉलम रहेंगे वो हट जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सिंगल सेल बन जाएगा। अगर यहाँ पे आपको, अगर इसके राइट पे यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको क्या रहेगा, इंसर्ट द लेफ्ट, अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, और राइट पे चाहिए तो राइट पे क्लिक करेंगे। यानी आपको एक और कॉलम चाहिए, आपको राइट में कॉलम चाहिए, तो आपको राइट पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट पे एक और कॉलम आ जाएगा। अगर आपको इस सेल के लेफ्ट पे चाहिए तो आप उस सेल पे सेलेक्ट करें जिसके लेफ्ट में चाहिए, जिस सेल के राइट पे चाहिए तो राइट पे कर सकते हैं, वैसे ही एबव में करना है। तो यहाँ पे हम नंबर वाले पे चले जाते हैं, नंबर रॉ पे, अगर आपको टॉप पे चाहिए तो आपको ऊपर चाहिए तो एबव करेंगे, और बॉटम में चाहिए तो हम बिलो करेंगे। तो इंसर्ट अगर टॉप पे चाहिए तो इंसर्ट टॉप पे क्लिक करेंगे, तो इंसर्ट टॉप पे आ जाएगा, और इंसर्ट एबव पे क्लिक करें, बिलो पे क्लिक करेंगे, तो नीचे उसके आपका एक और कॉलम, एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। तो ऐसे यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर आपको मर्ज करना है तो मर्ज सेल यूज कर सकते हैं, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है उन सेलों को, और यहाँ से क्या कर देना, मर्ज सेल, मर्ज सेल में एक सिंगल सेल बन जाएगा। यहाँ पे हम दूसरे सेल पे ट्राई करना चाहें, हम जितने सेल करना चाहते सिर्फ उतना ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे मर्ज सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कॉलम एक्स्ट्रा हो गए, इसे हमें क्या करना है, हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे हम उसे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका डिलीट, डिलीट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका कॉलम है तो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, रॉ है तो रॉ सेलेक्ट करेंगे, और पूरा डिलीट करना है तो फिर सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर पूरी टेबल पे क्लिक कर देंगे, पूरा डिलीट करना है टेबल पे क्लिक करेंगे, अगर हमें रॉ बस हटाना है तो रॉ पे डिलीट, रॉ पे क्लिक करेंगे, कॉलम बस हटाना है कॉलम डिलीट, कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, और यहाँ पे हम कॉलम डिलीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, कॉलम का अलाइनमेंट चेंज करना है हमें, क्या है यहाँ पे सिर्फ जो है होम पे सिर्फ तीन, ये तीन अलाइनमेंट ही मिलते हैं, पर अगर हम यहाँ पे
लेआउट पे जाएं तो लेआउट में जाके हम 9 तरह से अलाइनमेंट के यूज कर सकते हैं। जैसे हमें टॉप एकदम सेंटर पे रखना है, यहाँ पे अगर हम इस नेम को देखना चाहें तो यहाँ पे आपको 9 तरह के अलाइनमेंट दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे एकदम सेंटर पे करना है तो टॉप से सेंटर, लेफ्ट सेंटर, बॉटम राइट, चारों साइड से आपका सेंटर पे आ जाएगा। टॉप सेंटर पे करना है तो टॉप सेंटर पे कर सकते हैं, बॉटम सेंटर में करना है बॉटम सेंटर में, लेफ्ट सेंटर में लेफ्ट सेंटर में, और राइट सेंटर में राइट सेंटर में, और मेन सेंटर में करना है तो मेन सेंटर में। तो इस तरह हम सभी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट हम यहाँ पे टेबल पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सभी को मेन सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं, इसमें सभी टेक्स्ट मेन सेंटर अलाइनमेंट में हो गया। ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है इसे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पे डिलीट पे जाना है, डिलीट में जाने के बाद डिलीट ड्रॉ करना है। डिलीट ड्रॉ कर रहे हैं तो डिलीट ड्रॉ, और डिलीट कॉलम करेंगे तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, और डिलीट सेल, कोई एक सेल डिलीट करना है तो फिर हमें क्या करना है, डिलीट सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर हमें राइट पे कॉलम चाहिए तो यहाँ पे राइट इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट राइट। लेफ्ट पे चाहिए तो लेफ्ट इंसर्ट करेंगे, नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो, और टॉप पे चाहिए तो इंसर्ट एबव, ठीक है ना। सेल की साइज अगर आपसे बढ़ाते घटाते ना बने तो हम यहाँ से हाइट और वेट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम इसे बढ़ा सकते हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग आपको कहाँ पे मिलती है, आपको जैसे ही आप टेबल यूज करते हैं तो टेबल पे आपको का कर्सर रहेगा तो यहाँ पे आपका टेबल टूल दिखाई देने लगेगा। तो आपको किसमें, लेआउट में जाके हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये कर सकते हैं, और साथ में हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब जैसे नाम यहाँ पे आर से है, एस से है, के से है, हम इसे सॉर्टिंग करना था, हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ से सॉर्ट पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, हम इसे यहाँ से सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक कर, टेक्स्ट है आपका, पैराग्राफ है, यहाँ से आपको ओके कर देना है, आपका यहाँ पे नाम सेट हो जाएगा। जैसे आपको पहले कविता आ गया, फिर राहुल, फिर सीमा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।